अभी तक आपने कहानी में सुना कि आयुष एक काफी बड़ा सुपरस्टार है। उसके घर के बाहर लाखों की तादाद में उसके फैंस खड़े हुए थे, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। आयुष की मैनेजर वाणी आयुष को पसंद करती है और बार बार आयुष के ख्यालों में खो जाती है। तभी आयुष को एक स्क्रिप्ट दिखती है, जिसको थोड़ा सा पढ़ने पर ही आयुष बेहोश हो जाता है। अब आगे वाणी आयुष को बेहोश देखकर टेंशन में आ जाती है और उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, आयुष उठो। वो पास पड़े पानी के जग को उठाती है और पानी की कुछ बूंदें आयुष के ऊपर छिड़कती है, जिससे आयुष अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है। आयुष को होश में आते देखकर वो खुश हो जाती है। वाणी थोड़ी नाराज होते हुए कहती है, अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारी बुरी आदत से छुटकारा दिलाएगा। वाणी आयुष का कंधा पकड़कर उसे थोड़ा हिलाती है और बोलती है, हुआ क्या है तुम्हें, किस दुनिया में खोए हुए हो? आयुष बोलता है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वाणी बोलती है, ये सब बाद में देखेंगे, अभी तुम जाकर रेडी हो जाओ, पार्टी के लिए देर हो रही है, मैं तब तक बाकी के अरेंजमेंट्स देख लेती हूँ। इतना कहकर वाणी कमरे से बाहर चली जाती है। वाणी के जाने के बाद आयुष भी अपने बेड से नीचे उतरता है और टॉवल लेकर वॉशरूम में चला जाता है। अंदर जाकर वो अपनी टी शर्ट उतारता है और शावर और गीजर चालू कर देता है। वो शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। पानी उसके बदन को भिगो रहा था, लेकिन आयुष अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। आयुष टॉवल से खुद को पोंछते हुए बाहर आता है और रेडी होने लगता है। वो अपने कबर्ड में से एक ब्रांड न्यू ब्लैक सूट निकालता है। वो पार्टी के लिए रेडी हो जाता है और अपने कमरे से निकलकर नीचे हॉल की तरफ जाता है। वाणी नीचे हॉल में सर्वेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। जैसे ही वाणी की नजर आयुष पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। आयुष आज उस ब्लैक सूट में काफी कातिलाना लग रहा था। वो अपने अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आयुष ने नीचे आते ही वाणी को आवाज लगाई। वाणी, जो आयुष के ख्यालों में खोई थी, उसकी आवाज सुनकर तुरंत आयुष के पास चली आई। आयुष अपनी टाई ठीक करते हुए बोलता है, घर में जितने भी सर्वेंट्स हैं उन्हें अभी के अभी हॉल में बुलाओ। वाणी अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चली जाती है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर सारे के सारे सर्वेंट्स आयुष के आंखों के सामने थे। आयुष सोफे पर बैठा हुआ था। उसने एक सीटी बजाई तो एक सर्वेंट बाहर से एक ट्रॉली लेकर आया, जिसमें काफी सारे गिफ्ट्स रैप किए हुए रखे थे। आयुष उस सर्वेंट को वो गिफ्ट्स बाकी सबको देने का इशारा करता है। वो सबको एक एक करके वो गिफ्ट्स दे रहा था। सभी सर्वेंट्स काफी खुश दिखाई दे रहे थे। सब आयुष को एक साथ बर्थडे विश करते हैं और वहां से चले जाते हैं। वाणी की नजर आयुष पर से हट ही नहीं रही थी, लेकिन आयुष ने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया था। वाणी को आयुष की ये बात काफी बुरी लगी। आयुष वाणी के पास गया और बोला, अब यहीं खड़ी ही रहोगी या चलोगी भी? ये कहकर वो बाहर जाने लगता है। वाणी कुछ नहीं बोली और आयुष के पीछे चली गई। बाहर अभी तक आयुष के फैंस की भीड़ लगी हुई थी। वो सब बस आयुष की एक झलक पाना चाहते थे। आयुष जैसे ही बाहर आया, सभी फैंस उसे देखकर होटिंग करने लगे। आयुष उन्हें देखकर अपना हाथ हिला रहा था। तभी सभी लोगों के बीच में से एक शानदार लग्जरी कार आई और सीधा आयुष के सामने आकर रुक गई। अब तक वाणी भी बाहर आ चुकी थी। आयुष कार के अंदर बैठता है और उसके पीछे वाणी भी अंदर बैठ जाती है। आयुष कार के सनरूफ से बाहर निकलता है और अपने सभी फैंस को देखकर हाथ हिलाने लगता है। जब गाड़ी घर से कुछ दूरी पर आ जाती है तो आयुष सनरूफ बंद कर देता है और अंदर बैठ जाता है। वाणी कार में गुमसुम बैठी हुई थी, लेकिन उसके मन में सवालों का एक सैलाब उमड़ रहा था। और उनमें सबसे बड़ा सवाल था कि आयुष ने सभी सर्वेंट्स को कुछ गिफ्ट दिए, लेकिन उसे क्यों नहीं दिया? यही सब सोचते हुए वो खिड़की से बाहर देख रही थी। वाणी को एहसास हुआ कि कोई उसके हाथों की उंगलियों से छेड़खानी कर रहा है। वाणी ने तुरंत अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो आयुष उसकी उंगली में कुछ पहना रहा था। वाणी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, सोचा कि सबसे लास्ट में दूंगा, लेकिन तुम्हारा ये सड़ा हुआ चेहरा देखकर सोचा अभी दे दूं, इसीलिए तुम्हें ये पहना रहा था। आयुष ने अपने अंदाज में
उसके सामने डायमंड की रिंग दिखाते हुए कहा। वाणी ने डायमंड की रिंग देखकर अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। आयुष ने वाणी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसे वो डायमंड की रिंग पहना दी। वाणी खुश होते हुए बोली, लेकिन इतनी महंगी रिंग तुमने मेरे लिए क्यों ली? आयुष अपनी नजरें घुमाते हुए बोला, अब तुम मेरा बीवी की तरह ख्याल रखती हो तो इतना तो बनता है, और वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, वरना क्या पता पड़ा होता कहीं। वाणी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू सो मच आयुष फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। आयुष वाणी की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो और कई बार मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ भी होती है। वाणी भी आयुष की आंखों में देखते हुए कहती है, ये सब तो मेरा काम है, मुझे इसी बात की सैलरी मिलती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, तभी ड्राइवर एक 5-स्टार होटल की लॉबी में आकर कार रोकता है, जिसकी वजह से दोनों की तंद्रा टूट जाती है। वहां पर पहले से ही काफी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी थी। होटल के बाहर भी काफी सारे आयुष के फैंस खड़े थे, जो कब से आयुष का इंतजार कर रहे थे। आयुष का सिक्योरिटी गार्ड कार का दरवाजा खोलता है, पहले वाणी कार से उतरती है और फिर आयुष कार से बाहर निकलता है। उसके बाहर आते ही हूटिंग की आवाजें शुरू हो जाती हैं। सभी लोग आयुष से मिलना चाहते थे, लेकिन उसके गार्ड्स आयुष के अंदर जाने के लिए रास्ता बना रहे थे। आयुष के आगे 3 गार्ड्स थे और उसके पीछे 3 गार्ड्स थे, और बीच में आयुष और वाणी चल रहे थे। आयुष हाथ हिलाते हुए अंदर जा रहा था। अंदर का नजारा देखने लायक था। चारों तरफ अलग अलग तरीके की लाइटिंग की गई थी और हर तरफ म्यूजिक का शोर सुनाई दे रहा था। डांस फ्लोर पर काफी सारे लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। काफी सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे, जिनकी गिनती करना भी मुश्किल था। पार्टी एकदम लक्जरियस थी। आयुष के आते ही सभी लोग उसके पास आने लगते हैं और उसे विश करते हैं। आयुष एक एक करके सबसे मिल रहा था। वाणी को तो आयुष जैसे भूल ही गया था। वाणी भी चुपचाप वहां से चली गई और पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स देखने लगी। जितने आयुष के चाहने वाले थे, उतने ही उससे जलने वाले भी थे। वहीं पार्टी में प्रोड्यूसर वाजिद खान और एक्टर राहुल खन्ना हाथ में ड्रिंक लिए खड़े थे और आयुष की बुराई कर रहे थे। वाजिद आयुष को घूरते हुए कहता है, तो कैसे एक्टर बन गया ये, वरना इसकी औकात कुछ भी नहीं है। घटिया फिल्में करता है और इसके फैंस भी इसकी तरह ही सड़क छाप हैं। राहुल ने वाजिद का साथ देते हुए कहा। इधर आयुष सबसे मिल रहा था, लेकिन उसकी नजर किसी और को ही ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर सामने से आती रिया मलिक पर पड़ी। आयुष भी उसकी तरफ चल पड़ता है। रिया आयुष को गले लगाती है और उसे बर्थडे विश करती है। आयुष भी उससे गले मिलते हुए कहता है, तुम इतनी लेट क्यों आई हो? रिया उससे दूर होती है और कहती है, अरे रास्ते में ट्रैफिक की वजह से देर हो गई। दूर खड़ी वाणी ने दोनों को एक साथ देख लिया था और वो समझ चुकी थी कि अब आयुष रिया के साथ ही पूरी पार्टी सेलिब्रेट करेगा। ये सोचकर उसका दिल टूट गया। वो अपने मन में बोली, आयुष को मेरा ख्याल तक नहीं आया। फिर वो अपने मन में सोचती है, वो है तो एक मैनेजर ही, तो आयुष उसके संग सेलिब्रेट क्यों करेगा। इधर रिया और आयुष एक दूसरे से बातें कर रहे थे और काफी इंजॉय कर रहे थे। आयुष रिया की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा था। रिया जूस का एक सिप लेते हुए आयुष से पूछती है, कहीं मैं केक कटिंग सेरेमनी के लिए लेट तो नहीं हो गई? आयुष रिया की आंखों में देखते हुए बोलता है, बस तुम्हारे ही आने का तो वेट कर रहा था, चलो साथ में केक काटते हैं। आयुष तुरंत वाणी को फोन लगाकर कहता है, केक लेकर आओ, और फोन कट कर देता है। 5 मिनट के अंदर हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा केक आ चुका था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आयुष द सुपरस्टार। रिया और आयुष दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए केक के पास आते हैं। बाकी सभी बड़े बड़े लोग उनके आसपास खड़े हो जाते हैं और आयुष को विश करने लगते हैं, और आयुष और रिया साथ में केक कट करते हैं। केक कट होते ही पूरा का पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठता है। केक को वहां से ले जाया जाता है और पार्टी फिर से अपने पहले वाले अंदाज में आ जाती है। आयुष रिया से डांस करने के लिए बोलता है तो रिया मान जाती है और दोनों साथ में डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहे थे। सभी लोग होटिंग कर रहे थे
और तालियां बजा रहे थे। वाणी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसे मन ही मन रिया से जलन हो रही थी, इसीलिए वो वहां से तुरंत निकल जाती है। कुछ ही देर में पार्टी खत्म हो चुकी थी और आधे से ज्यादा लोग वापस जा चुके थे। कुछ चुनिंदा लोग ही थे जो वहां पर रुके हुए थे। रिया और आयुष भी डांस करते हुए काफी थक गए थे। आयुष को पास से जाती हुई वाणी दिखती है। वो वाणी को आवाज लगाता है और उसके आने पर बोलता है, वाणी इसी होटल में एक स्वीट सा रूम बुक कर लो। हम दोनों काफी थक गए हैं, इसलिए आज हम यहीं स्टे करेंगे। ये कहकर आयुष रिया के साथ चला जाता है। वाणी उदास मन से होटल के रिसेप्शन की तरफ चली जाती है और एक रूम बुक कर लेती है। वाणी आयुष और रिया के पास आती है और आयुष के सामने रूम की चाबी रखकर उसे एक बार फिर देखती है, फिर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। आयुष रूम की चाबी उठाते हुए कहता है, लेट्स गो बेबी, टुडे आई एम वेरी टायर्ड। रिया भी उसके हाथों में हाथ देते हुए कहती है, मी टू। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर रूम की तरफ चले जाते हैं। आयुष और रिया रूम में जाते हैं। रूम में जाते ही रिया आयुष का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। इधर बाहर वाणी होटल की लॉबी में बैठकर रो रही थी, तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े बड़े हो रखे थे। वो किसी साउथ फिल्म के विलन की तरह लग रहा था। ये प्रोड्यूसर वासु थे जो वाणी का रास्ता रोकते हैं और उससे पूछते हैं, मैम आपने मेरी स्टोरी अनामिका आयुष सर को सुना दी? अनामिका सर का करियर बदल देगी, आई एम श्योर। वाणी का उसके मुंह लगने का मन नहीं था, इसलिए वो मुंह बनाते हुए बोलती है, मुझे टाइम नहीं मिला और सर भी बिजी थे, इसीलिए मैंने उनको नहीं बताया। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। वासु उसको जाते हुए देखता है और अपने मन में कहता है, जो भी अनामिका को इग्नोर करेगा वो मरेगा। आखिर क्या है अनामिका का राज? आखिर क्यों आयुष को दिख रही है बार बार उस लड़की की झलक? क्या इस कहानी में भी अनामिका का कुछ हाथ है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।